यार तुम्हें मट्टी में खेलने के अलावा और कोई काम है? कचरे के साथ बैठे हो यार, गंदे हो जाओगे। अभी आए हो स्कूल से, इधर आओ, मैं बताता हूँ आपका आज सबको सबको। आ जाओ इधर आओ, आपका इंटरव्यू लेता हूँ। इधर बैठो, आराम से बैठो, बात करते बैठ के। तो सबसे पहले यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर। ऐसे नहीं बैठना, कैसे बैठो, इंसानों की तरह बैठो, लेट गए हो। अच्छा बात ये थी भाई, इसके स्कूल से बहुत ज़्यादा शिकायतें आना शुरू हो गई अभी से कि भाई ये क्लास में नहीं बैठता, पानी पीने के बहाने निकलता है, फिर घंटों लगा देता है, वापस नहीं आता और कैंटीन के पीछे जाके छुप के बैठ जाता है। ये खबरें मिल रही हैं हमें। क्या होगा तुम्हारा बताओ मुझे, हैं? मच्छर होगा। पढ़ना नहीं पढ़ना? पढ़ना। भाई ये हमारे माली चाचा जो कि यहाँ पर अपना सामान रखते हैं इस गैराज में, तो अभी भी आए हुए हैं। इनका सामान जो है ना रोज़ आते हैं रखते हैं, क्योंकि और जगह नहीं होती ना, इनको पूरी कॉलोनी में सफाई वगैरह करते रहते हैं, मतलब पौधों वगैरह की। तो हमारा भी ये काम करते हैं और अभी जो है ना अपना सामान इसमें रख रहे हैं। और ये बहुत ऊंचा सुनते हैं, इनके कान में जाके चीखना पड़ता है फिर ये बात सुनते हैं, इसलिए मैं इनसे बात भी नहीं करता व्लॉग में, अगर मैं करूँगा तो आपके कान फट जाएंगे, मसला ये। तो अभी मैं ना इनका सामान, बल्कि ये हमारा अपना सामान है, इसमें घास है बहुत ही कीमती, तो हम बकरियों को खिलाएंगे। ये अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर छत पे ले जाएंगे इसको। बाहर क्यों लेके घूम रहे हो इसको, घर में नहीं रखना? नहीं, हैं उनसे पूछे जा रहे हैं साथ वाले से। अच्छा क्यों, उनको देना है रखने के लिए? वो इतना छोटा है, हम तो रख भी नहीं पाएंगे इसको, बहुत संभालना मुश्किल है। इसको छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, ये बताओ आपको गाड़ी पसंद है या बाइक? गाड़ी बाइक। गाड़ी बाइक। एक चीज बताओ, एक चीज, एक ये एक एक चीज बताओ। बताऊं आपको, हम बाइक लेने जाएंगे ठीक है? तो यार हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आधा घंटा है हमारे पास, आधा जुमे का दिन तो दुकानें बंद हो जाती हैं 12 बजे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, हमने पहुंचना है वहां से लेके आना है। तो आज का दिन हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो गया ऐसे कर रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे, तो आज लाजमी जाएंगे लेके आएंगे। लेकिन जल्दी चलो भाई, सिर्फ 25 मिनट है हमारे पास, चलो भागे। हाँ चलो बाइक पे चलते हैं। बैठो भाई, भाई अभी तो हम पुरानी बाइक पे बैठ रहे हैं, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह नई बाइक आ जाएगी। आगे हो जाओ, अच्छा थोड़ी जगह है यार भैया, आगे हो जाए। ओ भाई, ओ इस बाइक को ना आप क्या करेंगे, रास्ते में फेंकते हुए आएंगे ठीक है? यही हमारी साथी है यार, 2 साल इसके ऊपर चढ़ गए, 2 साल नहीं 11 साल पुरानी, 12 साल पुरानी। तो ये तो भैया की अपनी है ना, जो हम जिस पर बैठे थे ना, वो तकरीबन हमें 2-2.5 साल चला गया, ये बाइक की हालत इससे खराब है। फाइनली यार हम शोरूम पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमारी कोई बाइक होगी जो कि हमने ढूंढनी है, मतलब जाना है अंदर और देखते हैं कि कौन सी बाइक। तो बुक है हमारी ऑलरेडी, 2 महीना पहले हमने करा ली थी, आज आई है, तो देखते हैं कौन सी बाइक है। चलिए आइए 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 सर, चलिए सर आइए। ये सारी न्यू बाइक्स हैं, सारी की सारी, अंदर भी बाहर भी। तो यार ये हमारी बाइक जो कि यहाँ से निकलेगी, ये सारी एक जैसी हैं। ओ भाई ये क्या है, इसकी चाबी है। ये लो भाई, ये आपकी बाइक है ना या मेरी बाइक है? आपकी बाइक थोड़ी है। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, फर्स्ट राइड लेने के लिए तुराब भाई रेडी हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में इसको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया सिस्टम है इसका। ऑन करो, आते ऑन करना, हो गया कहता नहीं हुआ, आवाज ही नहीं आ रही। करता हूँ मैं, करता हूँ, ये ऑन है ना यहाँ से। हाँ। चलो वहाँ से ऑन करो, ये तो नहीं हो रहा, क्लच दबा के भाई। अब करो, नहीं यार ऑन नहीं हो रहा। हो गया, हो गया भाई, हो गया। चले जी, और चलेंगे अभी वहाँ तक, तो जाओ आती है तुम्हें यार, आती है। गया भाई गया, वापस लेके आओ यहाँ से, दीवार में ना ठोक देना। तो यार ये है हमारी बाइक जिसका मॉडल भाई क्या, कौन सी है भाई बताओ तो सही। GR 150। अच्छा ये है जी सुजुकी GR 150, बहुत ही अच्छी बाइक है, हमें पसंद आ गई है। अभी चलते हैं ड्राइव टेस्ट करते हैं, कैसा लगता है, कैसा मतलब इसका एक्सपीरियंस रहता है, अभी चेक करेंगे, चलेंगे घर की तरफ यहाँ से। हाँ चलो भाई, ये आप लेके आ जाना। हाँ यार कोई रोक ले तो कम से कम वार्डन को दिखा देना। हाँ ये कॉपी हमारे काम आएगी, क्योंकि अगर हम जाएंगे ना वार्डन वगैरह रोक लेते हैं कि भाई इसकी नंबर प्लेट कहाँ है, तो अभी लगवानी है, क्योंकि नई बाइक है तो ये दिखाएंगे ना, फिर वो मान जाएंगे। तो अभी सीधा चलते हैं घर की तरफ और इसकी राइड लेते हैं, लेट्स गो। भाई सबसे पहला यही काम करना है, इसका फ्यूल डलवाना है, देखें बिल्कुल सुई 0 से भी नीचे आई हुई है, तो सबसे पहले यही काम करेंगे। चलो धक्के खा रहे हैं अभी, धक्के समझ नहीं आ रही इसको, गियर शिफ्टिंग नहीं आ रही।
और रुक गई चलाने नहीं आ रही भाई। यार इसका उलट सिस्टम है गियर का ना। अच्छा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। सीख जाएंगे सीख जाएंगे। पंप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। 50 का काफी है सर, पेट्रोल डलवा लिया है तो सीधा घर चलते हैं। तो भाई घर के करीब पहुंच चुके हैं और शयान को भी नहीं आइडिया कि हम बाइक लेके आ चुके हैं और वो पता नहीं कहाँ पे खेल रहा होगा। वो खेल रहा है। इधर आओ, आ जाओ, वो देखो क्या लाए हम, वो देखो क्या चीज है ये बताओ। हैवी बाइक है, कहते हैवी बाइक है, इसको सब पता है भाई। हैवी बाइक नहीं है ये, पता नहीं कौन सी बाइक है। अच्छी है। हाँ मैं पतली। क्या है? पतली है कहते हैं। क्या है? या पतली है। पतली है। अबे इसका क्या है यार, इसकी कैसी सोच है यार। उस दिन गाड़ी लेने गए कहते छोटी है, अब ये बाइक लेके आए कहते पतली है। पीछे बिठाना, आगे ना बिठा देना, बड़ा हो गया ये। कौन राइड कराएगा इसको? पतली है बाइक तुम्हारे सामने, पतली है भाई। शयान को मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं लगी, वो समझ रहा होगा कि हैवी बाइक होगी। वो दूसरी जो स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं होती, वो बड़ी बड़ी होती हैं, जो उस तरह की देखता होता था ये, तो वो समझ रहा था वैसी बाइक होगी हमारी। लेकिन भाई ये भी बहुत अच्छी बाइक है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। नहीं तो बैठो उस पे, वो पुरानी वाली पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, छत पे जाता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा एक स्टूडियो जो कि हमने आजी तौर पे बनवाया है। वो क्यों बनवाया आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, उससे पहले एक और चीज दिखाता हूँ। ये मैं अभी देख रहा हूँ यार, ये चेक करें, दरवाजा चेक करें आप, कैसा बनवाया हमने स्टोर रूम का। ये देखें, ये गत्ते वाला दरवाजा है भाई। ये बस चोरों को धोखा देने के लिए, कभी ये समझे कि दरवाजा लगा हुआ है, अंदर भी रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखें जी, ये बस ऐसे आजी तौर पर। तो असली चीज है इसके अंदर जिसको ताला लगा हुआ है। तुम ले आए हो? हाँ। भाई यहाँ पर है हमारे गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन। गोल्डन एक है, सिल्वर दो है, दूसरा का है? दो थे। और ये तुम्हारे चैनल के होंगे ना? हाँ, उत्तराखंड से तैन वाले का भी है, वो भी लाता लेके आता हूँ। इसकी चाबी भी ले आओ, इसकी चाबी ले आओ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत कुछ है, अभी खोलते हैं। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस लिए बनवाया है। इसलिए बनवाया है कि यार मेरे बड़े भाई वहाब कामरान, जिन्होंने ना अभी चैनल अपना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमने अंदर ना ग्रीन स्क्रीन वगैरह और इस तरह का, उनका चैनल ना ऐसे बैठने वाला है, कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं है, मतलब बैठ के ना वो इन्फॉर्मेशन जैसे होते हैं ना वर्ल्ड वाइड और करंट अफेयर्स इस टाइप का होगा, वो भी अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लगा हुआ है। बेसिक है, ज़्यादा इतना एडवांस नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं। आगे भी हमारे सारे के सारे बटन्स चलें जी। हाँ भाई अभी दिखाता हूँ क्या क्या हमने सिस्टम जुगाड़ी है भाई। हम देखना अभी लाइट्स तो ऑन करें, एक दो तीन और चार। तो यार लाइट्स ऑन कर ली हमने, और ये देखें यहाँ पर है एक ग्रीन स्क्रीन, इसको बंद कर देते हैं यहाँ दरवाजे को, और देखें यार जुगाड़ी काम किया हुआ हमने। और यहाँ पर कैमरा है हमारा दूसरा, और स्टैंड छोटा था ना वहाँ पे, की हाइट काफी लंबी है, तो हमने क्या किया जुगाड़ किया। ये देख रहे हो, इसके ऊपर रखते हैं हम स्टैंड, रख के दिखाओ भाई। भाई जुगाड़ हमसे सीखें, आ जाएं। ये देखें ये कैसा जुगाड़ लगाया, अब स्टैंड उनके बराबर हो गया हाइट के, तो इस हिसाब से हमने ये काम किया। तो अभी हम क्या करने लगे यार, हम ना बटन्स लगा देते हैं इधर दीवार पर, देखते हैं फिर कितने खूबसूरत लगेंगे। ऐसे लगाना यार तिरछे, क्योंकि तीन बटन है ना अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर प्राप भाई कील लगा रहे हैं और फिर हम ये लगा देंगे। पहले गोल्डन दो। ओह वाओ, तो यहाँ पर लगा रहे हैं हम गोल्डन बटन। क्या बात है भाई, क्या बात है। इन सब में से सबसे प्यारा पता कौन सा है? ये वाला ओनली सितन ओनली, नजर नहीं आ रहा किधर है, ये लिखा हुआ है मेरा नाम। देखो इसमें किसी इसका नाम ही नहीं है यार, ये तुम्हारे है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे हैं सारे के सारे। नहीं यार तुम्हारे गुस्सा नहीं होते। तो यार ये है गरीबों का स्टूडियो भाई, बाद में झाड़ू भी लगानी है, ठीक है, आपने ही करना सब कुछ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाला स्टूडियो भी बहुत प्यारा बन जाएगा इंशाल्लाह। चलो गुड, मैं आ रहा हूँ फिर खड़ी करने। मैंने खड़ी करने की। ओ भाई मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं तो राइड लेने दो, यहाँ से यहाँ तक तो चलाने दो यार। चलो आ जाओ, बहुत मेहरबानी।
इधर खड़ी करनी है। हाँ ओ यार ओए चलो वाह काम चेक करें यार इसके। चाचू चले गए मेरे ख्याल से। दोस्तों सिप्तैन ना क्या करेगा, इस तरह से गोल राउंड मारेगा और फिर इस वाली गली से निकलेगा और फिर खड़ी कर देगा। थोड़ा सा उसने आ गया। आओ 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 लाइट तो बंद करो। सॉरी ओ ओ ओ ओ ओ एस भाई साहब बहुत ही मजा आया चलाने में, वैसे बहुत ही स्मूथ मजा आएगा। तो आप सब सोच रहे हो कि हमने गाड़ी क्यों नहीं ली, हम तो गाड़ी देखने भी गए थे, आपने ब्लॉग देखा था वो वाला। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूं यार, हम गाड़ी लेने गए थे और हमें पसंद भी आ गई थी, लेकिन यार हमने सोचा यार हमें गाड़ी चलाने आती है नहीं, हम इतनी महंगी गाड़ी क्यों लें। तो हमने ये फैसला किया है हम ना छोटी गाड़ी को ही लेंगे, मतलब सस्ती वाली जिसको हम सीखें चलाएं, उसको प्रॉपरली सीख जाए ना जब, फिर हम कोई अच्छी सी गाड़ी लेंगे। चलाने आती नहीं थी, हम ख्वाब देख रहे थे बड़ी गाड़ी के जी, तो इसलिए हमने सोचा है कि भाई हम छोटी सी गाड़ी लेंगे, पुरानी सी कोई, उसको रगड़े दे दे के जितना वो लगे कि ना हमें इतना दुख नहीं होगा। लेकिन नई गाड़ी लगती तो हम डर डर के चलाते, आपको भी पता है यार फर्स्ट टाइम ले रहे थे, लगनी जरूर थी भाई ना, लगता तो ये तो जरूर लगेगी, इसलिए हम छोटी गाड़ी लेंगे, पुरानी गाड़ी लेंगे, उसको चलाएंगे, फिर सीख के फिर अच्छी सी गाड़ी इंशाल्लाह लेंगे। तो यार एंड कर दो भाई व्लॉग तो का। ये था दोस्तों आज का व्लॉग, मिलेंगे इंशाल्लाह यार ये वहीं शहर में थे बताओ। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आपने बताना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको पता है मैं नहीं मिलता, 10-15 दिन लगा ही देता हूँ, लेकिन आई होप के जल्द ही मिलेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।